नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई वीडियो में। महाभारत बनाना एसएस राजामौली का सपना है। वो अपनी आखिरी फिल्म श्रृंखला के रूप में महाभारत को बनाना चाहते हैं। राजामौली महाभारत को एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं और इसलिए वे चाहते हैं कि इसे इतने बड़े पैमाने पर बनाया जाए कि ये दुनिया भर में लोगों तक पहुंचे और भारतीय मूल्य का परिचय दे। वे चाहते हैं कि यह अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो। हालांकि उन्होंने एक साक्षात्कार में इस बारे में पूछे जाने पर स्पष्ट कर दिया है कि अभी वो इस पर काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले सोचना पड़ेगा क्योंकि इसे पूरे करने में 15 से 20 वर्ष भी लग सकते हैं। राजामौली महाभारत को एक श्रृंखला के रूप में बनाएंगे और इसके कई पार्ट होंगे। महाभारत का नाम सुनते ही हमें बीआर चोपड़ा की महाभारत याद आती है। वो पहली बार था जब महाभारत को बड़े पर्दे पर दिखाया गया था। सभी पात्रों ने अपने किरदार बखूबी से निभाए थे और लोग उसमें इतना रम गए थे कि उनके कलाकारों को उनके किरदारों के नाम से ही जानते थे और उनसे वैसा ही व्यवहार करते थे। वो एक दौर था जिसमें लोग टीवी बहुत कम देखा करते थे और यहाँ तक कि सबके घरों में टीवी हुआ भी नहीं करता था। ऐसे में महाभारत और रामायण ने इसकी प्रसिद्धि भारत में बढ़ाई। पूरा परिवार एक साथ बैठकर इन्हें देखा करता था और उस समय बच्चे बच्चे को हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं का ज्ञान था और महाभारत और रामायण से भी लोग बहुत प्रभावित हुए थे। अगर राजामौली महाभारत को बनाते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी तुलना भी बीआर चोपड़ा की महाभारत से की जाएगी। उसकी छवि जो लोगों के मन में बसी है, क्या राजामौली उस छवि की जगह अपनी महाभारत की छाप दर्शकों के दिलों और दिमाग पर छोड़ पाएंगे? राजामौली की फिल्में सपनों की तरह होती हैं, जिन्हें केवल वो सत्यता में तब्दील करके दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। खासकर उन्हीं के द्वारा बनाई गई दोनों बाहुबली उन्हीं के अगले प्रोजेक्ट के लिए चुनौती है। बाहुबली के बाद से लोगों की उनसे उम्मीदें और बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर महाभारत बनेगी तो निश्चय ही वो उसे बाहुबली के साथ तोला जाएगा। अधिकांश दर्शक इसी बात से सहमत होंगे कि हमारे द्वारा देखे गए किसी भी चीज से बड़ा और बेहतर होगा। महाभारत की कहानी हमने कई बार अलग अलग जगह देखी, सुनी और पढ़ी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राजामौली की फिल्म में क्या नयापन इस पौराणिक कथा में दर्शकों को देखने को मिल सकता है। बीआर चोपड़ा ने महाभारत की कहानी समय के दृष्टिकोण से बनाई थी और ऐसा हो सकता है कि एसएस राजामौली की महाभारत किसी पात्र को केंद्र में रखकर बनाई जाए। इसके कई भाग होने वाले हैं और ऐसे में संभव है कि हर भाग किसी महत्वपूर्ण किरदार के दृष्टिकोण से दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। सबसे ज्यादा संभावना द्रौपदी के दृष्टिकोण से महाभारत दिखाने की है और ऐसा हो सकता है कि महाभारत को आज के संदर्भ में प्रदर्शित किया जाए या फिर महाभारत की गतिशीलता और प्रासंगिकता पर फोकस किया जाए। संभावनाएं तो बहुत हैं, कुछ तय भी नहीं है, लेकिन इतना तो पक्का कहा जा सकता है कि ये फिल्म पहले बनाई गई सभी महाभारत को पीछे छोड़ने का लक्ष्य रखेगी। राजामौली की पहली फिल्मों को देखकर ये तो जरूर कहा जा सकता है कि इस फिल्म में जो कहानी वो कहेंगे वो साधारण नहीं होगी। वे इस फिल्म को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाना चाहते हैं और राजामौली कहते हैं कि मुझे फिल्में बनाने की प्रेरणा अमर चित्र कथाएं और अन्य कॉमिक कहानियों से मिलती हैं। वे उनकी कल्पनाओं को उड़ने का सहारा देती हैं। वे अपनी फिल्मों के हर दृश्य को अपनी ओर से पूरा जानकर और उसको समझकर बिना समझौता किए नहीं बनाते हैं। वे कहते हैं कि कई बार उन्हें ये महसूस भी होता है कि अपनी उम्मीदों की वजह से वे अपने कलाकारों और सहकर्मचारियों को मुश्किलों में डाल देते हैं, लेकिन वे अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, ना ही किसी तरह का समझौता करना उन्हें भाता है। यही कारण है कि लोगों को उन पर पूरा पूरा विश्वास है कि बड़ी महाभारत के साथ न्याय कर सकते हैं। अभी इस फिल्म की कास्ट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन प्रशंसकों ने कयास लगाने आरंभ कर दिए हैं। एक कलाकार ने तो किरदारों में अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के चित्र भी बना दिए हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि दर्शक इस फिल्म के लिए कितने उत्साहित और उत्सुक हैं। लेकिन लगता है कि अभी हमें थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा नहीं बल्कि काफी इंतजार करना होगा।
अभी इसकी स्क्रिप्ट पर काम भी होना बाकी है। जहां तक उम्मीद है, इस फिल्म को SS राजामौली के पिता और बाहुबली के लेखक ही विजेंद्र प्रसाद लिखेंगे। इस फिल्म में बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों के अभिनेताएं देखने को मिल सकते हैं। इस फिल्म के एक क्लासिक फिल्म बनने की संभावना बहुत ज्यादा है और ये भारतीय सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। ये स्क्रिप्ट लिखी है कनक शर्मा ने।